नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी बड़ी ही मजबूत स्थिति से जो है चुनाव लड़ रहा है और दूसरी तरफ महायुति यानी कि एनडीए जो गठबंधन है उसमें जो है टकराव देखने को मिल रहा है। ताजा खबर जो आ रही है वो अजीत पवार को लेकर के आ रही है। अजीत पवार वही शरद पवार जी के भतीजे जिन्होंने एनसीपी से बगावत की और चुनाव चिन्ह पर जो विवाद हमने देखा था पहले भी रहा था, हालांकि एक बार फिर से जो है चुनाव के दौरान जो है अब अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ही झटका लगा है, एक फटकार लगाई गई है। कारण है चुनाव चिन्ह को लेकर के। जिस तरह से एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह था घड़ी, उसको लेकर के जो है काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था शरद पवार गुट में और अजीत पवार गुट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर अजीत पवार जी या अजीत गुट घड़ी चुनाव चिन्ह का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए अखबारों में आप विज्ञापन दीजिए, एडवर्टाइजमेंट दीजिए और उसमें जो है स्पष्ट रूप से ये बात लिखिए कि चुनाव चिन्ह घड़ी का जो मामला है, जो विवाद है, वो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। तो इस तरीके से जो है इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से अजीत गुट को ये आदेश दिया गया था लेकिन उन्होंने उसको पालन नहीं किया। अब एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में अजीत गुट को ये फटकार लगाई है और ये कहा है कि अब हम जो है आपको दिन भी नहीं दे सकते, दिनों की मोहलत नहीं दे सकते, कुछ घंटे की मोहलत दी जा सकती है। तो ये कहा है कि 24 घंटे के भीतर भीतर या ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे के भीतर आप मराठी और हिंदी और दूसरी भाषाओं के अखबारों में विज्ञापन दीजिए और चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर के ये स्पष्ट कीजिए कि चुनाव चिन्ह घड़ी का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, उसको लेकर के जो है स्पष्ट कीजिए क्योंकि ये मामला जो है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अजीत गुट को जो है बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि शरद पवार जी जिस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मामले को लेकर के, तो कोर्ट की तरफ से जो है बड़ा झटका लगा है। ये भी माना जा रहा है कि चुनाव चिन्ह जो शरद पवार जी से छिन गया था, अजीत पवार जी ने ले लिया था या अजीत गुट उसका इस्तेमाल कर रहा था, तो वो अब अजीत पवार से छिन सकता है। शरद पवार को जो दोबारा से जो मेन जो पुरानी और जो मुख्य पार्टी है शरद पवार जी की, उनको ही जो है चुनाव चिन्ह घड़ी का मिल सकता है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। इससे पहले भी हमने देखा था कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव की खबरें आई थी। एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनसे शिकायत की थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल के नेता हैं, स्थानीय जो नेता हैं, वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है टकराव, बंटवारा और बिखराव की खबरें जो है अभी से आने लगी हैं। एक तरीके से जो सामंजस्य स्थिति जो है बनती हुई वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये गठबंधन, ये अलायंस कितना चलेगा ये देखना होगा क्योंकि इससे पहले जो महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है पार्टियों को तोड़ करके, शिवसेना को तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके जो है अपने साथ में लिया और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। आप सबको याद होगा कोरोना काल में जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल किया, लेकिन एक बार फिर से अब जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो झटके मिलते जा रहे हैं, सहयोगी भी जो है एक दूसरे पर जो है आक्षेप लगा रहे हैं, इधर महाविकास अघाड़ी जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।